एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के स्टॉक में दोस्तों फिशेस कौन कौन सी आई है यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास में ऑस्कर फिशेस है। काफ़ी बड़ा साइज़ है दोस्तों, इसके अंदर ऑरेंज कलर ब्लैक कलर में बहुत ही अच्छे फिशेस है और एल्बिनो कलर में बिग साइज़ में ऑस्कर फिशेस है दोस्तों। और नेक्स्ट फिशेस देखेंगे यहाँ पे कोई कार्प दोस्तों, काफ़ी बड़ा साइज़ है, 15 से 18 इंच का लगभग। देखिए ये 15 से 18 इंच के लगभग कोई कार्प है दोस्तों, बिग साइज़ में। अगर हमारे पॉन्ड है तो उसके अंदर हम इस फिश को रख सकते हैं। और अगली फिश देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक मोर, थोड़ा ब्लैक मोर का एक कवर हम निकाल के देखेंगे दोस्तों, क्यों तो ब्लैक मोर भी काफ़ी एक्टिव और अच्छी फिशेस होती है। देखिए फ्रेंड्स ये ब्लैक मोर काफ़ी अच्छी है और 8 गोल्ड के साथ में एक ब्लैक मोर हम रखेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से, बहुत ज़रूरी होता है, रखना होता है दोस्तों। इसके हिसाब से गोल्ड के साथ में आराम से रह लेती है ये। यहाँ पे हम देखेंगे ब्लैक मोर फिश, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा है और एक्टिव है। और ब्लैक मोर के बाद अगली फिश हम देखेंगे दोस्तों कोई कार्प। दोस्तों कोई कार्प का भी एक कवर मुझे निकालना पड़ेगा तो ही अच्छे से ठीक से नज़र आएंगी। कोई कार्प ये जो फिश होती है दोस्तों बहुत रफ एंड टफ होती है और अभी के टाइम में हमारे पास में कुछ कस्टमर के ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट थे, उसलिए मैंने फ़िश को बड़ी ऑर्डर किया है तो यहाँ पे आ भी चुकी है दोस्तों। ये टॉप व्यू फ़िश होती है, जैसा ऊपर से देखने में टॉप से हमारा टैंक अगर बड़ा है उसमें रख सकते हैं, नहीं तो अगर हमारा पॉन्ड है घर में अगर आंगन में उसमें रख सकते दोस्तों। बहुत ही अच्छे कलर में एक्टिव कलर में यहाँ पर हम इस फिश को देख सकते। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा साइज़ स्मॉल है, थोड़ा सा एक 12 इंच का है, लेकिन पहला वाला जो साइज़ काफ़ी बड़ा था और एक्टिव था दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से भी टॉप से कितनी बढ़िया लग रही है दोस्तों। ये फिश बहुत ही एक्टिव, देखिए फ्रेंड्स ये फिशेस काफ़ी अच्छी साइज़ है, बड़ी साइज़ है। देखिए दोस्तों एक्टिव फिशेस है, इस पॉन्ड में हम रखने में ऊपर से टॉप व्यू में अच्छी लगेंगी ये भी। तब तक दोस्तों यहाँ पे मैं इसको टेम्परेचर सेटिंग के लिए रख देता हूँ और एक बार इस फिश को हम देखेंगे थोड़ा सा पास से ऊपर से टॉप व्यू में कैसी लगेंगी ये भी। देखिए इसको भी और दोस्तों ये नॉन एग्रेसिव फिशेस में होती है, दूसरे फिशेस रेगुलर फिशेस के साथ में भी रह लेती है। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इसका लुक और इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं हम ये फिश बहुत ही बिग साइज़ में है। तो दोस्तों ये है कोई कार्प बिग साइज़ में, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आज के फिश में हमारे पास में यहाँ पे मैं देखूँगा जो हमारे टैंक जो बार बार गंदे हो जाते हैं, डस्ट बैठता है दोस्तों, उसके सेवल आता है धूप से ज़्यादा लाइट से, तो इसके लिए हमें तो उसको क्लीन रखने के लिए एक फिश हमारे पास में आई है दोस्तों। आप अगर आप ओल्ड पुराने कस्टमर है सभी को पता होगा एक्वेरियम वालों को कि हमारे पास में कौन सी फिश है, तो हमारे टैंक को क्लीन रखती है। तो यहाँ वो फिश को मैं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी दिनों के बाद है तो इस फिश का यहाँ पे आना हुआ है, ये फिश का स्टॉक आया है। बहुत दिनों से इस फिश को हम ऑर्डर कर रहे थे दोस्तों, लेकिन ये लॉकडाउन में फिश ठीक से नहीं आ रहे, बराबर से कुछ आ रहे कुछ नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नाम है दोस्तों सकर कैट, कोई क्लीनिंग फिश बोलते हैं दोस्तों, अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये हमारे पास में सकर कैट फिश एक है और अगली फिश देखेंगे। नेक्स्ट फिश देखेंगे दोस्तों जो कि थोड़ी सी जो फिश के कस्टमर के जो बार बार आते हैं कि भी कस्टमर के कॉल आते हैं दोस्तों या कमेंट्स आते हैं कि मेरी फिश मर रही है, तो उसके लिए मैं अभी जो अगली फिश बता रहा हूँ थोड़ी सी स्ट्रांग है, अच्छी है, एक्टिव है दोस्तों, तो ये फिश रखेंगे तो ये फिश हमारी अच्छी रहेंगी, फ्रेश फ्रेश और एक्टिव अच्छी रहेंगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा ये फिश है तो बड़ी हो सकती है और इसके अंदर मरने जो भी कस्टमर फिश मरते हैं तो ये हम रखेंगे। इसका नाम है दोस्तों टिनफिल, टिनफिल फिश है ये एक
अगली चीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो फिश सबसे ज्यादा नए कस्टमर रहते हैं, नए कस्टमर के लिए खास तौर पे अगर ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्सीजन तो लगाना जरूरी है, तो अगली फिश हम देखेंगे दोस्तों जो कि ब्रीडिंग फास्ट होती है, महीने के 30-40 बच्चे देती है दोस्तों, ये फिश है तो आप रखेंगे, तो थोड़ा सा हार्ड फिशेस है, अगर आपकी फिश मर रही है तो अब जो फिश देखेंगे हम वो फिश भी आप रख सकते हैं, उसका फिश का नाम है दोस्तों आप मौली फिश, स्मॉल साइज में मौली फिश होती है दोस्तों, बाउल में रख सकते हैं, मिनी साइज के टैंक में रख सकते हैं, ब्लैक व्हाइट और ऑरेंज कलर के साथ में यहाँ पे हमारे पास मौली फिशेस आ चुकी है। दोस्तों जो अगली फिश हम देखेंगे, सबसे जो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट टाइम टैंक लेते तो वो फिश हम जरूर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों गोल्ड फिशेस, स्मॉल साइज की गोल्ड दोस्तों, कम से कम रेट में और रीजनेबल रेट में ये जो फिशेस है एक 20-30 रुपीज़, 25 रुपीज़, 15 रुपीज़ तक के आ सकती है, तो ये हमारे पास फ्रेश एकदम अच्छे कंडीशन में गोल्ड फिशेस का स्टॉक आ चुका है। नेक्स्ट फिशेस इसी के साथ हम देखेंगे दोस्तों टाइगर बार, दोस्तों टाइगर बार ये फिशेस है जो कि एल्बिनो कलर में व्हाइट डॉट्स है टाइगर बार। नेक्स्ट फिशेस दोस्तों इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर कैट फिशेस, दोस्तों कैट बहुत दिनों से नहीं आई थी, इसके लिए मैंने थोड़ा कैट का ऑर्डर है तो थोड़ा ज़्यादा किया ला है, तो कैट हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आज अवेलेबल है, सकर कैट है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सकर कैट है जो हमारे टैंक को क्लीन रखने में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ अगली फिश हम देखेंगे टेनफिल फिश, सिल्वर कलर में बहुत ही एक्टिव दोस्तों, इसके जो बैकग्राउंड फिन होते हैं रेड कलर के बहुत ही अच्छे लगेंगे, ये हमारे पास टेनफिल का भी काफ़ी स्टॉक है। और अगली फिश देखेंगे दोस्तों मौली फिशेस, दोस्तों मौली का भी काफ़ी डिमांड ज़्यादा रहने से मैंने थोड़ा सा इसका स्टॉक ज़्यादा किया है, ऑर्डर ज़्यादा किया है, तो हमारे पास में ये फिश आ चुका है। दोस्तों मौली का तो आपको सभी को पता है कि मौली के रेट के बारे में एक 10-20-30 रुपीज़ तक की ये फिश आ जाएंगी। तो अगली फिश हम देखेंगे कोई कार, फ्रेंड्स ये है कोई कार फिशेस जो कि वाइट कलर ऑरेंज और मिक्स कलर में, दोस्तों काफ़ी ब्लैक कलर में इसके शेड अच्छे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी मौली का अपने कोई फिशेस का स्टॉक ज़्यादा है, कोई फिशेस यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग अच्छी सी लगभग 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक के टैंक वाले कस्टमर इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी हमारे फिशेस आए हैं, जैसा कि आप देख सकते कि और भी फिशेस है, तो ये कैरी बैग के अंदर ठीक से नज़र नहीं आ रही, और काफ़ी दो मुझे कस्टमर के भी कमेंट्स थे कि फ़िश है तो टैंक में डालने के बाद दिखाइए, तो हम यहाँ पर ये बड़े बड़े फिश थे तो हमने देख लिया, अब जो फिशेस है हम टैंक में डालेंगे, टैंक में डालने के बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों कौन कौन से फिशेस हमारे पास आज के स्टॉक में है, उनके प्राइस कौन से है, कौन से फिशेस किस फिशेस के साथ में रहेंगे या और भी उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगली फिश देखेंगे डायमंड एंजल, काफ़ी फिन्स इसके लंबे लंबे हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छी फिशेस है, हार्ड फिशेस है दोस्तों, बोलो तो फ्रेश फिशेस है, जो तो कभी कभी होता है कि थोड़ा सा माल कभी ऊपर से लूज आता है, लेकिन इस टाइम में हमारे पास ये जो एंजल फिशेस का स्टॉक बहुत ही अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगली फिश देखेंगे जो कि हमने यहाँ पे दोस्तों एक जो भी मच्छर के अंडे लार्वा होते हैं उसको खाने के लिए, मच्छर के अंडे अभी इस दिनों में ज़्यादा होते हैं दोस्तों, पानी जमा होता है तो उसके लिए ये फिशेस है, तो उसके लिए बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अच्छी रहती है, जिसका नाम है दोस्तों गप्पी फिश, रेगुलर गप्पी फिशेस है, लगभग बहुत ही कम रेट में 10 रुपये में 1, 10 में 2 ऐसी फिशेस की प्राइस होती है दोस्तों, ये हमारे पास गप्पी फिश का स्टॉक भी अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट अगली फिश देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी अच्छी फिशेस है जो कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पिंक कलर में एबीए टेट्रा, जिसके फिन दोस्तों रेड होते हैं, एबीए टेट्रा यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, हमारे पास आज भी अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगले फिश की और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी क्वान्टिटी में दोस्तों, अभी बारिश के मौसम में जो मच्छर के प्रॉब्लम आते हैं उसके लिए गप्पी फिश का और भी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है दोस्तों, ये गप्पी फिशेस है रेगुलर, और दूसरी हम देखेंगे अगली इम्पोर्टेड में भी गप्पी होती है दोस्तों, ये हमारी रेगुलर गप्पी है दोस्तों। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो फिशेस है टाइगर बार, उसके साथ में रोजी बार और सर्फी टेट्रा, जैसा कि पिंक कलर में ज़्यादा डार्क रेड शेड में जो दिख रहा है हमें,
सर्फी टेट्रा फिशेस है दोस्तों। ये वाला जो देखिए हम अभी देख रहे, तो ये टाइगर बार है सर्फी टेट्रा। इसमें हमारे पास में अच्छे खासे फिशेस अवेलेबल है दोस्तों। दोस्तों जो कि विदाउट ऑक्सीजन की फिश के लिए बहुत सारे कस्टमर के मुझे कमेंट्स आते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन में फिश बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसा देख पा रहे हैं, ये है एल्बिनो टाइगर शार्क। ये फिशेस दोस्तों हमारे पास में स्टॉक काफी अच्छा आया है। और दोस्तों ये जो है तो विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकती है। और इसके बाद में दोस्तों खासियत ये इसकी फिश बहुत जल्दी बहुत बड़ी होती है। और एल्बिनो कलर में दोस्तों ये शार्क नाम है, लेकिन दूसरे कौन से भी फिशेस के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी फिशेस के साथ में इसको हम रख सकते हैं। अगली फिश हम देखेंगे दोस्तों टेट्रा फिशेस से है, वीडियो टेट्रा व्हाइट कलर एल्बिनो सिल्वर में अच्छी लगती है दोस्तों। ये भी बड़े साइज में, अच्छे साइज में दोस्तों यहाँ पे वीडियो टेट्रा हमारे पास में आ चुकी है दोस्तों यहाँ पे। और इसी के साथ कुछ डेनिम टेट्रा भी है। तो दोस्तों ये है वीडियो टेट्रा। चलिए फ्रेंड्स अगली फिश हम देखेंगे यहाँ पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें एक फिश है तो 8 फिश के साथ में एक ब्लैक रखना जरूरी होता है। टोटल 9 फिश का वास्तुशास्त्र का ये तो फिश के जो रखने हैं हमें, तो ब्लैक कलर की उसके अंदर फिश रखनी पड़ती है दोस्तों। ज्यादातर कस्टमर वास्तु के हिसाब से गोल्डन रखा जाता है, तो गोल्डन के हिसाब से एक ब्लैक रखना जरूरी है। तो उसके अंदर ये हमें तो ब्लैक मोर फिशेस हमारे पास में काफी अच्छी आ चुकी है दोस्तों। ये बिग साइज की फिशेस है और रेट भी बहुत ही कम है हमारे पास में, बड़े साइज का सिर्फ 8 रुपीज का ये गोल्ड ब्लैक मोर फिशेस है। देख सकते हैं कि बिग साइज के फिशेस ये हमारे पास में अवेलेबल है। जैसा कि हम कैट फिश है काफी 8 से 10 इंच का है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइगर शार्क है ब्लैक में और सकर फिश है दोस्तों बिग साइज में। ये सकर फिशेस का भी काफी अच्छा स्टॉक है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एक हमारे पास इल फिशेस है। इल फिशेस को भी हम यहाँ पे अच्छे से हमारे टैंक में रख सकते हैं दूसरे फिशेस के साथ में भी दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे कौन-कौन से फिशेस के साथ में इल फिश रहेगा अलग। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे अब गोल्ड फिशेस काफी हमारे पास छोटे साइज बड़े साइज मिक्स साइज में। यहाँ पे कुछ वरंडा गोल्ड भी है दोस्तों बिग साइज में और इसके गोल्ड भी थोड़ा सा मिक्स है इसमें। तो ये गोल्ड फिशेस है और इस मिक्स रहने से फ्रेंड्स यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 100 रुपीज तक की हमारे अलग अलग साइज के हिसाब से रेट इसके अंदर कंपेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस हमारे टैंक के अंदर थोड़े से कोई फिशेस को छोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक आधे घंटे के लिए हमारे फिश को टेम्परेचर सेटिंग के लिए यहाँ पे पहले पॉलीथीन को रखा है। उसके बाद में इसी टाइप से हमें तो इस पॉलीथीन को आराम से एकदम रबर निकाल के इसको हम छोड़ देंगे। जब भी हम फिशेस घर ले जाते हैं दोस्तों शॉप से, तो एक 15 से 20 मिनट के लिए हमें तो हमारा एक्वेरियम में रखेंगे। तो पानी का टेम्परेचर सेम होने के बाद दोस्तों हमारी फिशेस मरेंगी नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे और एक्टिव कलर में कोई फिशेस का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है दोस्तों। मल्टी कलर में ऑरेंज कलर व्हाइट ब्लैक सभी कलर के यहाँ पे फिशेस आ चुके हैं दोस्तों। हमारे पास में कुछ अपने पास में कुछ लॉबर्ड्स भी है, तो ये लॉबर्ड्स यहाँ पे देखेंगे हम। हेलो ये 40 है।